उनका रिश्ता ही नहीं है, कोई रखता ही नहीं है सांप से। तो लोग ढोल और बीन बजाने का काम, ढोल और बीन का, बाकी कुछ ढोल और बीन बनाए करते हैं। हमारे पास राहुल जो आरोपी बताया जा रहा है, राहुल एल्विस के संपर्क में था, तो राहुल की बहन हमारे साथ है। ये बताइए कि आप लोग एल्विस यादव को जानते हैं? सर हम एल्विस यादव को बिल्कुल भी नहीं जानते, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना मेरे भाई का, ना हमारा, ना हमारी फैमिली से है कोई भी ऑल रिलेटेड, हमारा कोई है ही नहीं उनसे कनेक्शन। हमें क्यों फंसाया जा रहा है, क्यों हमारे हमारी फैमिली गरीब आदमी, हम लोग सपेरा जाति से है, हम खुद इतनी पढ़ी लिखी फैमिली है, इन सब कामों में हमारे बच्चे। राहुल एल्विस यादव को कैसे जानता है? क्योंकि एल्विस यादव ने राहुल का ही नंबर दिया था। नहीं सर आप कॉन्टेक्ट चेक कीजिए ना, मेरे भाई का कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए आप, उसमें ना तो कोई कॉन्टेक्ट एल्विस यादव का है, ना ही राहुल के पास एल्विस यादव का है, ना एल्विस यादव पे राहुल का है। आप खुद कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए, लेकिन आप चेक कीजिए ना हमारे पास। तो आपके भाई राहुल जो पीएफए वाले हैं उनके साथ कैसे संपर्क में आए, कैसे वहाँ पर पहुँचा? सर भाई ने मतलब हम बीन पार्टी वगैरह के आज तक आप देखते हो कि यूट्यूब पे सब अपना चैनल बनाने के लिए सब वीडियो डालते हैं, तो ऐसे हमने भाई ने भी अपनी बीन पार्टी का वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसने वीडियो से उस किसी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे मतलब ये सांप वगैरह मतलब ऐसे वीडियो करवानी है आप, वो मतलब ढोल वगैरह बीन पार्टी चाहिए आपकी, और आप आ जाना किसी बर्थडे पार्टी में है, और किसी जगह का नाम वगैरह बताए इनको। ये लोग वहाँ पर गए बीन पार्टी लेकर, और वहाँ पर जाके जो भी हो इनके साथ हमें पूछने तो दे नहीं रहे, अंदर हुआ क्या था क्या नहीं, ये सांप कहाँ से आए, ये जहर कहाँ से आया, ये हमें नहीं पता सर। हम खुद गरीब, हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबका, आप हमारे हमें जस्टिस दिलाइए, हम गरीब आदमी। आप ये बताइए कि आपके परिवार से किनको गिरफ्तार किया गया है? मेरे फादर है, मैं उनकी डॉटर हूँ खुशबू, मेरे फादर है रविनाथ। अच्छा आपके फादर को गिरफ्तार किया, तो आपके फादर कैसे पहुंचे? और ये भी पुलिस बता रहे हैं जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया उनके पास से 5 कोबरा सांप मिले हैं, 1 अजगर मिला है, 2 मुहे वाले सांप मिले हैं, इवन 20 ml सांप का जहर भी बरामद हुआ है। मैं अभी मेरा 1 नवंबर को मेरा भी जन्मदिन मनाया गया, जिसके बाद अगले दिन ही कॉल आता है 2 नवंबर को कि एक प्रोग्राम है वहाँ पे जन्मदिन है, और मेरे पापा के पास अभी कोई जॉब है नहीं, वो अभी जॉब सर्च कर रहे थे, तो इसलिए वो प्रोग्राम में चले गए। ढोल बजाते हैं मेरे पापा, काफी साल से बजाते हैं ढोल, ढोल बजाने के लिए वहाँ पे चले गए, ठीक है। और जब वहाँ पे जाके पता चला कि मतलब जन्मदिन है किसी का और वहाँ पे प्रोग्राम है, वहाँ पे ढोल बजाना है बस और कुछ नहीं। अब आप ये बताइए, बच्चे का जन्मदिन बताया जा रहा है कि होटल में एक बच्चे का जन्मदिन था जिसमें फॉरेनर्स भी आने वाले थे, तो आप ये बताइए फॉरेनर्स के लिए या बच्चे के लिए कौन मतलब सांप लेके जाएगा? बच्चे के लिए तो कोई नहीं लेके, बच्चा खुद डरेगा कि सांप मतलब सांप का वहाँ पे कोई रोल कहाँ पे आप देख सकते हो। मेरे पापा, मैं आज 20 साल की हो गई हूँ, मैंने 20 साल की उम्र में मेरे घर में तो एक भी सांप नहीं देखा, मैं आपको सच बता दूँ। पहले का मैं कह नहीं सकते, मेरे दादा के जो फादर थे, पर दादा लोग जो थे उनके पास कोई अर्निंग का कोई स्रोत ही नहीं था कि वो पैसे कहाँ से कमाए, तब वो सांप का खेल दिखाते थे। मैं जानती हूँ, मैं सपेरा जाति से हूँ, तो ये मैं जानती हूँ कि वो सांप का खेल दिखाते थे, लेकिन जब से बैन लगाया है मेनका गांधी जी ने, जब से बैन लगाया है तब से तो हमारे कम्युनिटी में आप खुद जाकर देखिए वहाँ पे कितना विकास हुआ है, वहाँ पे कितनी ग्रोथ की है बच्चों ने। एल्विस यादव को आप लोग जानते हैं? कभी कोई संपर्क? आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम एल्विस यादव को जानते, अगर हमारी इतनी पहुँच होती तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते? हमारे पापा, मेरे भाई, मेरे जो भतीजे वो सब है ना, वो आज हमारे घर पे होते, वो रात से बंद है, मेरी बात तक नहीं। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो यूट्यूब की बात किया में बीन पार्टी करते हैं उसे लेकर संपर्क किया, क्या उस बीन पार्टी में जो यूट्यूब में सांपों का प्रयोग किया था आप लोगों ने? नहीं सर, वो उसका तो बस ढोल का काम है, वो जो लड़का है, इसका जो भाई है वो ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है कॉलेज के अंदर, बच्चों को ड्रॉप करता है, पिकअप करता है घर से, बस और कुछ नहीं। ये तमाम परिवार के लोग हैं जिनका आरोप है कि पुलिस ने इनके परिवार को गलत फंसाया, सपेरा जाति से ये ताल्लुक रखते हैं और सपेरा जाति से हैं, और एक बकायदा एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था जो पीएफए के तरफ से बुक कराया था, जो इनका आरोप है कि पार्टी के लिए बकायदा एडवांस भी दिया गया, और इनके परिवार के लोग ढोल और बीन बजाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और उसी दौरान इनके परिवार के लोगों को गिरफ्तारी की है, कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 लोग सपेरे जाति के, जिस राहुल का नाम लिया जा रहा है कि राहुल वो शख्स है जो रेव पार्टी ऑर्गेनाइज कराता था, वो राहुल टैक्सी चलाने का काम करता, जो परिवार का कहना है, जो परिवार का आरोप है, और वो सिर्फ यूट्यूब पर एक अपना वीडियो डाला था, उसी वीडियो को लेकर इस संपर्क किया गया और बिल्कुल फंसाया गया, ये आरोप है परिवार का। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है।
पांच जो कोबरा सांप बरामद हुआ है, अजगर सांप बरामद हुआ है, दो मुहा सांप बरामद हुआ है, इवन की जहर भी बरामद हुआ है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, परिवार का साफ तौर पर आ रहा है कि इनके परिवार को फंसाया जा रहा है। राजू राज, जी मीडिया, नोएडा। तो आप इस वक्त सुन रहे थे उस परिवार की बात, जो आरोपियों जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके परिवार के सदस्य अपनी बात रख रहे थे। Z News.